दोस्तों मैं आज हूँ आकर एक्वेरियम फिश शॉप में। ये आपका सेनेगल है, डेंजी सेनेगल है। ये जो फिश है आप देख रहे हो इसको बोलते हैं रेडफिन, चले कैसे बोलते हैं। ये है आपका जियोफिलस स्वेनी। अच्छा ओके, और ये थोड़े बड़े साइज में है, ऑलमोस्ट 3.5-4 inch के है। देखो बाजू बाजू में साइज में डिफरेंस है, लेकिन इसमें जो इम्पोर्ट में येल्लो शेड उठ के आता है ना, वो इंडियन में कभी नहीं आता है। ये देखो, ये इंडियन है। बराबर। ये बटरफ्लाई फिश है, इसका अफ्रीकन चिकलेट्स है, ये आपके सांता क्लॉस पैरेट्स है, इसमें आपके जियोफिगस टपोजास है, रेड टपोजास, ये डिस्कस है, ये आपके ऑलमोस्ट 4 inches का प्लस डिस्कस है। दोस्तों मैं आज हूँ आकर एक्वेरियम फिश शॉप में जो बोरोली ईस्ट में लोकेटेड है, और आज मैं इनके पास कवर करने के लिए आया हूँ न्यू अराइवल एक्वेरियम फिश का स्टॉक। काफ़ी अलग अलग वैरायटीज के आज हमें है वो एक्वेरियम फिश का स्टॉक है वो देखने के लिए मिलने वाला है। जैसे यहाँ पे मैं एंटर करूँगा तो इनका एक लार्ज सेक्शन है जो मुझे कवर करने के लिए हमेशा मिलता है मेरे को। स्टार्टिंग में इन्होंने बड़ा बड़ा टैंक रखा है, ये पूरा बेटा फिश का रैक है, बाद में यहाँ पे एक सेक्शन है पूरा एक्वेरियम फिश का, और यहाँ पे एक सेक्शन है पूरा एक्वेरियम फिश का, और भी यहाँ पे सेक्शंस हैं जो उस साइड है, और इनका एक यहाँ पे सेक्शन है, और देखो यहाँ पे सेक्शन है। कुछ कुछ स्टॉक अभी भी आ रहा है तो एक्लिमेटाइजेशन प्रोसेस में है। अभी हम लोग मुलाकात करते हैं राजन सर से जो आकर एक्वेरियम के ओनर है। तो हमारे सामने है राजन सर जो आकर एक्वेरियम के ओनर है। हाय सर, आप कैसे हो? बस आप बोलो, आप कैसे? तो सर आज फिर से मैं आया हूँ पूरा आपका स्टॉक है वो कवर करने के लिए। यहाँ पे न्यू अराइवल हुआ है स्टॉक का, एक गड़ एक मॉइस्चर एक्वेरियम फिश आया है, तो हम लोग एक एक करके पूरा स्टॉक है वो कवर करने के लिए स्टार्ट करते हैं। तो कहाँ से शुरुआत करें? इधर से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये कौन सी फिश है? ये आपका चना है, माइक्रो पैलेट। अच्छा ओके, और अभी इसका तो अभी चना का ये इंडियन है एक्चुअली, तो इसका कॉस्ट भी काफ़ी कम है। इसका कॉस्ट है आपका एक 300 rupees का पीस। वाओ। ये आपका सेनेगल है, डेंजी सेनेगल है, और इसका कॉस्ट है आपका 900 rupees का पीस। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो डेलीजी काफ़ी रेयरली देखने के लिए मिलता है हमें, ग्रीन अल्बाइनो वो भी है, एंडीचेरी वो भी देखने के लिए मिलते हैं, उसका भी स्टॉक अवेलेबल है। और ये सर प्लेको है क्या कॉमन? ये आपके गोल्डन सर्कल जो बोलते हैं प्लेको, गोल्डन। अच्छा अच्छा, उसका कॉस्ट भी सस्ता है वो, कुछ 100 rupees पर। ये जो फिश है आप देख रहे हो इसको बोलते हैं रेडफिन, चले कैसे बोलते हैं। जनरली ये फिश जो है आपका एक 10-12 inch हो जाता है, और तो आप जायंट के साथ भी रख सकते हो इसको, लेकिन इसका प्रॉब्लम ये है कि हमेशा ये छोटे साइज में मिलता है। ओके, हमेशा वो 2 inch में आता है, तो अगले को नोटिस नहीं होता क्या फिश है क्या नहीं। तो आप देख सकते हो काफ़ी ब्यूटीफुल वराइटी है, और इसका जो साइज जो है वो ऑलमोस्ट 4 inches प्लस है, और इसका कॉस्ट है आपका 1800 rupees का। ये आपके सिल्वर वन है, ऑलमोस्ट आपके 9 inches के आसपास है, इसका कॉस्ट है आपको 2500 rupees पीस। ये आपके अल्बिनो हिकलीज है, और इसका जो साइज जो है वो ऑलमोस्ट 4 inch के आसपास है, और इसका रेट है आप 6000 rupees पैर। एक जो कैटफिश आप देख रहे हो इसको रिफूड कैटफिश है, तो ऑलमोस्ट इसका साइज जो है 7 inches का है, उसका कॉस्ट है आपका 3500 rupees पैर। और ये ब्लैकबेरी, ब्लैकबेरी है, और ये थोड़े बड़े साइज में है, ऑलमोस्ट 3.5-4 inch के है, इसका कॉस्ट है आपका 3500 rupees पैर। देखा है मैंने जो सेवनी सिकले जियोफगस आते हैं वो काफी रेयरली देखने के लिए मिलते हैं, काफी रेयर होते हैं, थोड़े और बड़े होंगे ना, तो उसका जो रेड कलर जो उठ के आता है ना, तो ये देखने में काफी मजा आता है। यानी एक्चुअली मेरा तो ये फेवरेट है एक्चुअली ऐसा जियोफगस, मैं कभी सोचते थे टैंक बनाऊं, लेकिन क्या होता है हर सीटर ना थोड़ा इशू है कि लोग सैंड मुंह में लेके फेंकते हैं, बराबर, इसके लिए थोड़ा रुक जाता हूं, अदरवाइज मेरा सबसे फेवरेट फिश है, काफी अच्छा है, इसमें कलेक्शन भी मिल जाते हैं, वैरायटीज है, और कलेक्शन भी काफी अच्छा है। और ये कौन सी वैरायटी? ये बाकी आपके सुलेमानसिस है, ये जो है ना ये सुलेमानसिस है, और ये पीकॉक बास है, ये पीकॉक बास है, और इसका कॉस्ट है एक ही, अभी एक ही पीस बचा है, 1500 rupees पीस। और ये आपके रेड हुड डॉलर्स है, मैरिड डॉलर्स,
और इसका कॉस्ट है आपका 1500 पीस। और ये सब ये सारा डॉलर है इस तरह के दोनों में, ये 300 पीस है, दोनों भी एक ही साइज के। ऊपर ये आर टी जी अरवाना है। अच्छा, और इसका कॉस्ट है आपका 12,000 पीस। क्या साइज है ये आपका? ऑलमोस्ट एक 7 इंच का है। ये आपके अल्बिनो एकेलिस है, और अल्बिनो एकेलिस जो है इसका कॉस्ट है आपका 6,000 अ पैर। इम्पोर्टेड है ये सिल्वर शार्क्स, ये आपका 400 अ पैर है। ये आपके इसमें वाइन मिलरीज है, बाद में रेड हेड टपोजाज है, जो भी बाकी इसमें मिक्स वराइटीज है वो खाली एकेलिस छोड़ के, क्योंकि बाकी जो इतने भी है उसका कॉस्ट है आपका 1,500 पैर। और मैं खास करके आपसे बताना चाहूँगा, ये देखो ये जो जियो फिगर आप देख रहे हो इसमें, ये जियो फिगर से आपका ये, और ये इसमें काफ़ी फर्क है। ये देखो ये इम्पोर्ट इंडियन का फर्क कितना मालूम पड़ता है। देखो ये इंडियन है जियो फिगर। अच्छा, छोटा पीस जो है, हाँ उसका भी कॉस्ट 1,500 पैर। आप अगर इम्पोर्ट का जियो फिगर देखो, इसमें दोनों फिगर देखो, ये दोनों बाजू बाजू में साइज में डिफरेंस है, लेकिन इसमें जो इम्पोर्ट में येलो शेड उठ के आता है ना, वो इंडियन में कभी नहीं आता है। ये देखो ये इंडियन है। बराबर ये आपका 1,500 पैर है, और डायरेक्ट डबल थोड़ा बड़ा साइज है, 3,000 पैर। इसमें आपके वेल्टेल ऑस्कर्स है और लेमन ऑस्कर्स भी है, इसका कॉस्ट है 300 पैर। ये पा का पफर है, यस, ऑलमोस्ट एक 2.5 इंच के हैं, इसका कॉस्ट है आपका एक 900 पीस। और साथ में आप देख सकते हो इसमें सेनेगल्स है, लेप्रर और बाकी आपके अल्बिनो सेनेगल्स है उसमें, और पीछे भी आप देख सकते हो साइज अल्बिनो सेनेगल्स है और ग्रीन सेनेगल्स है। तो अल्बिनो ग्रीन सेनेगल जो है उसका रेट है आपका 200 पीस, और बाकी जो लेप्रर और जो बाकी सेनेगल्स है इसमें दो टाइप के, उसका डेल्जी सेनेगल्स वाला है, तो उसका कॉस्ट है आपका एक 400 पीस। ये आपके बलून ज्वेल फिशेज हैं, यस, और इसका कॉस्ट आपका 600 पैर। आप देख सकते हो कलरेशन वगैरह जो है, और ये एक्चुअली इसका शेप भी आप देख सकते हो, खास करके ये मेल इधर आप देखोगे इसका भी शेप, इधर भी काफ़ी ब्यूटीफुल है कलरेशन वगैरह जो है उसका, और ये 600 पैर है। बलून आपके वराइटी में है ये, और ये आपके पोलर पैरेट्स है, टाइगर पैरेट्स बोलते हैं उसको, और इसका कॉस्ट है आपका एक 200 पैर। और यहाँ पे दोस्तों अभी मैं स्मॉल फ्रंटोसा कवर कर रहा हूँ, क्या इसका प्राइस है? ये आपके 1.5 इंच के आसपास फ्रंटोसा है, yes. इसका कॉस्ट है आपका 600 पैर। और ये सर ये आपके हुपलो कैटफिश है, ये अल्बिनो yes. हुपलो है, yes. इसका कॉस्ट है आपका 800 पैर। और ये सर यहाँ पे ये आपके ब्लू मशीन है, yes. और इसका जो साइज है वो ऑलमोस्ट आपका एक 2.5-3 इंच के आसपास है, और इसका कॉस्ट है आपका 600 पीस ब्लू मशीज। और ये सब ये अमेरिकन फ्लैग टेल्स है, रेड टेल फ्लैग है, और इसमें दो टाइप आते हैं जनरली, एक येलो आता है और ये रेड टेल है, और येलो जो रहता है उसको अमेरिकन बोलते हैं, और ये इसको रेड टेल फ्लैग बोलते हैं। इसका कॉस्ट है आपका 4,500 पैर। ये अरवाना है, यस, मीडियम साइज में, और इसका कॉस्ट है आपका एक 1,350। ये ऑस्कर्स है, एक 3 इंचेस के ऑस्कर्स है, और इसका कॉस्ट आपका एक 800 पैर। और एक इंडियन है एक्चुअली टाइगर ऑस्कर्स, इसका कॉस्ट है 500 पैर। और ये सर अरवाना छोटी अरवाना है, ऑलमोस्ट एक 3 इंचेस प्लस है, 3-4 इंचेस बोल सकते हैं आप इसको। इसका कॉस्ट है आपका एक 950 पीस। और ये सर एक बटरफ्लाई फिश है, यस, इसका कॉस्ट है आपका 1,250 पैर। आपके एशियाटिक्स है, यस, एशियाटिक्स आपके एक 2 इंचेस प्लस है, इसका कॉस्ट है आपका 1,250 पैर। ये आपके आर्चर फिश है, टाइगर आर्चर फिश है, यस, और ये इसका साइज जो है आपका एक 2 इंचेस का है, और इसका कॉस्ट है आपका 900 पैर। तो यहाँ पे सर मिक्स में देख रहा हूँ वैरायटी, इसमें आपके थोड़े शिवराम्स है 500 पैर है, और टिन फॉइल्स है, और टिन फॉइल्स मेरे हिसाब से एक जो टिन फॉइल का पैर 80 पैर है, और बाकी आपके अल्बिनो जायंट्स है, वो आपका 350 पीस है। ये रामा रोजेज है, बोलिवियन रैम बोलते हैं, रेड रामा रोजेज है, इसका कॉस्ट है 500 पैर। ये आपके क्या है पुरुल शार्क्स है, और इसका कॉस्ट आपको 500 पैर। और ये रेटेल कैटफिश है आरटीसी, इसका भी कॉस्ट 500 पैर है। और ये ब्लैक घोस्ट है, यस, इसका पैर है आपका 250 पैर। इसका अफ्रीकन चिकलेट्स है, इसका कॉस्ट आपका 500 पैर। क्या साइज है ये? ऑलमोस्ट आपके 4 इंचेस है।
ये रेड पैरट है मीडियम साइज में, इसका कॉस्ट आपका 1200 का पैर। ये आपके सांता क्लॉस पैरट्स है, 12,000 रुपीज़ का पैर है। थोड़ा ये काफ़ी रेयर भी जाता है, काफ़ी कम आ रहा है स्टॉक है। 12,000 रुपीज़ का पैर। और ये शिवराम से बड़े वाले 3,000 रुपीज़ का पैर। और ये सिकलेट, ये इम्पोर्ट सिकलेट है आपके, एक दो एक डेढ़ इंच या डेढ़ से दो सौ इंच है। मिट्टी तो हमारे दो मीटर का तीन। ये आपके रेड पैरट्स और येलो पैरट्स है। रेड पैरट जो है आपका 650 रुपीज़ का पैर है, और येलो पैरट जो है आपका 800 रुपीज़ का पैर है। और जो हार्ट शेप है उसमें थोड़े ये रहे आपको, हाँ वो 1000 रुपीज़ का पैर है हार्ट शेप। इसमें आपके जियो फिगर्स टपोजर्स है, रेड टपोजर्स। और इसका जो साइज़ है वो 2.5 इंच के आसपास है, और इसका कॉस्ट है आपका 800 रुपीज़ का पैर। और इधर स्वेनी है, जियो का स्वेनी, ये भी आपके 2 इंचज़ के है, और इसका कॉस्ट है आपका 1200 रुपीज़ का पैर। और ये कौन सी आरवान है सर? ये आपका ग्रीन अरवाना है, इसका कॉस्ट है 5500 पीस। ये डिस्कस है, ये आपके ऑलमोस्ट 4 इंचज़ का प्लस डिस्कस है, इसका कॉस्ट है 5000 रुपये का है। इसमें आपके फ्रंटोसाज है मीडियम साइज में, और रेगुलर फ्रंटोसा जो है आपका फ्रंटोसा, उसका कॉस्ट है 1500 रुपये का है। और जो आपके ये है वीडो वीडो फ्रंटोसा, इसका कॉस्ट है आपका 2500 रुपये का। तो राजन सर जी, फिर से एक बार आके मुझे स्टॉक है कवर करने के लिए मिला, एक्जोटिक मॉन्स्टर एक्वेरियम फिश का हमने स्टॉक है वो कवर किया। थैंक यू वेरी मच सर कि आपने आपका कीमती वक्त दिया हमारे वीडियो के लिए। थैंक यू वेरी मच।